हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान के भंडार चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टैली पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली के आइकन पर क्लिक करके टैली स्टार्ट कर लेंगे। टैली स्टार्ट करते ही आपका पहला ऑप्शन जो आता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में 3-4 ऑप्शन होते हैं। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होता है वो होता है क्रिएट कंपनी का। उसको सिलेक्ट करके उस पर एंटर करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी ये होती है कि जिसमें आप पाथ सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर आपको डेटा सेव करना होता है। जो भी डेटा आप बनाने वाले हैं उसको कहाँ सेव करना है ये आपको डायरेक्टरी से ही पता चलता है। उसके बाद नेम का ऑप्शन आता है। नेम में आपको कंपनी का नाम क्या है वो लिखना होता है। जैसे ABC लिमिटेड आपने कंपनी बनाई, वो लिखना होता है। उसके बाद मेलिंग नेम, ये सेम नेम ही होता है मेलिंग नेम भी। फिर ऑप्शन आता है एड्रेस का। एड्रेस में आप कुछ भी डालकर, जो भी आपका एड्रेस हो वो डालकर, आप मान लीजिए आपका एड्रेस है कानपुर, मैं कानपुर की हूँ तो मैं कानपुर की कंपनी सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद किस स्टेट के हैं वो आप सेलेक्ट लिख लीजिए। जैसे कानपुर आता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश मैंने लिख लिया। और अपनी कंट्री, आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट पूछता है, अगेन आप स्टेट यहाँ पे डाल दीजिए उत्तर प्रदेश। पिन कोड पूछता है आपके कानपुर का पिन कोड, मेरे कानपुर का पिन कोड है 208001, मैंने वो डाल लिया। फिर आती है फ़ोन नंबर की बारी। आजकल फ़ोन नंबर मीन्स होता है या स्टडी नंबर। अगर आपके पास डॉट फोन लगे हो तो आप यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में जैसे आप कुछ भी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अगर आपने अपनी कंपनी का कोई वेबसाइट बना रखा है तो वेबसाइट भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर यहाँ बारी आती है फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम। फाइनेंशियल इनकम मीन्स होता है जिस साल में आप बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे कि ये अभी चल रहा है आपका 2021, तो फाइनेंशियल आपका स्टार्टिंग हो जाता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 का टाइम क्या होगा फाइनेंशियल। तो आपको इसके करंट ईयर की जो अकाउंटिंग करनी है तब आप यहाँ पर डालेंगे 1 अप्रैल 2021, जो कि ऑलरेडी दिख रही है। बुक बिगनिंग फॉर्म भी सेम ही होता है, कब से आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है उसका बुक बिगनिंग फॉर्म में आता है। फिर आता है टैली ऑल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। अगर आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना है या आपके अलावा कोई और सिस्टम पर या आपके टैली पर काम करना चाहता है तो आप पासवर्ड क्रिएट करिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। इस पर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसका वीडियो मैं आपको भेज दूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का क्या यूज़ होता है इसमें? मान लीजिए आपकी कंपनी में 2 से 3 या 4 अकाउंटेंट हैं और आप चाहते हैं कि चारों अकाउंटेंट अलग अलग, अगर मान लीजिए परचेज का काम कर रहे हैं, सेल का काम कर रहे हैं और चारों एक दूसरे का काम को चेक ना कर पाएँ या व्यू ना कर पाएँ, तो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, अगर आप पासवर्ड सेट करके चारों अकाउंटेंट को दे सकते हैं, वो सिर्फ जो काम कर रहे हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी काम को वो एक्सेस नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का। नेक्स्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि बेस करेंसी सिंबल जो रुपीज़ है, हमारे यहाँ इंडियन में रुपीज़ को इस तरीके से लिखते हैं तो एज इट इज़ ही ऐसे ही रहेगा। फिर आता है फॉर्मल नेम में, हम लोग इंडिया INR बोलते हैं रुपीज़ को, तो वो एज इट इज़ रहेगा। फिर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ये नो ही रहेगा। एंड एड स्पेस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिंबल, ये यस रहेगा। इसका कोई ज़्यादा मतलब ये कि अमाउंट और सिंबल में डिफरेंट गैप कितना होना चाहिए उसको यस रखिए। शो अमाउंट इन मिलियंस, शो अमाउंट इन मिलियंस को भी नो ही रखेंगे, इसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मीन्स होता है कि आप डेसिमल के बाद नंबर 1, 2, 3 नंबर तक रखना चाह रहे हैं तो उसको उस हिसाब से रखिएगा। फिर आता है डेसिमल के बाद आप पैसे में हम लोग काउंट करते हैं तो उसको पैसे की तरह ही रखेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अमाउंट इन वर्ड भी, ये भी 2 तक रहेगा। इस प्रकार हम इसको सेव करके यस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोसेस हो रहा है। देखिए अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई ABC लिमिटेड।
ABC लिमिटेड के नाम से ये कंपनी क्रिएट हो गई और डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर, क्योंकि अभी नई कंपनी है तो हमने कोई वाउचर क्रिएट नहीं किया है के बारे में आप आइए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।